हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक जोन एमबीए प्रिपरेशन। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसआरसीसी जीबीओ 2023 एग्जाम। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एक्चुअल एलजेब्रा क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प होने वाली है इससे, बिकॉज इस तरह की वैरायटी क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ठीक है, जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हम लोग का एसआरसीसी जीबीओ का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द अबव इक्वेशन। तो गाइस, हमको बोला गया कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली इसका फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? आपने छोटी सी चीज अगर पढ़ी होगी पहले, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन ले लो आप, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोला जाए कि एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब आप एक्स माइनस वन को जीरो करोगे या एक्स इक्वल टू बनाएगा, ये जब यहाँ पे रखोगे तो ये होना चाहिए इसका जीरो के बराबर। मतलब कैसे, हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे फैक्टर होने मतलब क्या है कि परफेक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो आ रहा। तो कभी भी आपसे कोई पूछता है ना कि अगर इस इक्वेशन को आप एक्स माइनस वन से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिविजर होता है मेरा एक्स माइनस वन, इसको जीरो के बराबर करते हैं और एक्स को एक्स आ जाएगा वन। फिर यहाँ पे रखोगे, जो भी आंसर आएगा इसमें वो आपका रिमाइंडर होगा। बट क्योंकि कोई चीज अगर फैक्टर है तो वो रिमाइंडर जीरो देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाए टू इज ए फैक्टर ऑफ एट, तो डेफिनेटली एट को जब टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो आता है, वही चीज है। तो यहाँ पे फैक्टर होने मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब आप ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करो, क्या आएगा? माइनस, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? माइनस थ्री प्लस टू से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये आपका कैसा आ गया, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो गैस ये बेसिकली एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया माइनस टू एंड एक्स आ गया थ्री, क्योंकि ये फैक्टर था। तो एक बार आप एक्स को माइनस टू रखोगे इस बड़ी इक्वेशन में, और एक बार एक्स को आप थ्री रखोगे इस बड़ी इक्वेशन में, दो बार हम रखेंगे और दो बार मुझे लीनियर इक्वेशन मिलेगी ए एंड बी में। तो पहले रखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, और फिर रखते हैं एक्स इक्वल टू थ्री। तो वही चीज मैंने करी, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे खाली मेरा लीनियर इक्वेशन है, इसे डायरेक्टली मैंने इक्वल कर दिया जीरो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, और जब तक दो वैल्यू नहीं आएंगी आप ए एंड बी निकालोगे कैसे? ठीक है, तो आनी चाहिए दो वैल्यू। तो करते हैं गाइस इसको, एक्स को माइनस टू रखो एंड एक्स को थ्री रखो, तब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। ठीक है, एक्स को माइनस टू रखो, ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा? ये आएगा माइनस टू की पावर 4 16, माइनस एट है माइनस 4 प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माइनस 16 और 16, ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये आपका माइनस 16 था, ये 16 तक कट गया, तो क्या आ गया, माइनस 8a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो 2b इक्वल टू है 8a, तो बी इक्वल टू 4 यहाँ से आ गया आपका, बी इक्वल टू 4 इंटू ए आ गया। ठीक है, तो गाइस बी इक्वल टू 4 इंटू ए अगर आ गया ना, तो आप इससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। बी इक्वल टू 4 कब होगा? अगर ए आपका माइनस 4 है तो बी होना चाहिए माइनस 16, ये ऑप्शन हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते आप। ठीक है, बिकॉज माइनस प्लस आ रहा है, दो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बट अभी हम बता नहीं सकते ना क्या होगा। तो हम क्या रखेंगे, एक्स को हम रखेंगे थ्री, पहले मैंने एक्स को माइनस टू रखा, हम रखेंगे एक्स को थ्री, तो मेरा क्या आएगा 81 प्लस
27a -9 -3b -12 = 0, ठीक है, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, -21 और 81, ये क्या आ गया, 27a -3b +60 = 0, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये आपका हो गया 27a -3b -60, 3 से डिवाइड कर दो पूरी क्वेश्चन, ये ऐसा आ गया। अब गाइस बी आपका 4a था, बी को रखो 4a, तो 9a -4a -20, 5a -20, मतलब ए क्या आ गया, -4। तो गाइस देखो करना तो आपको पड़ेगा, आप इससे हिंट नहीं ले सकते, बिकॉज 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, मान लो स्टिल आपके पास 2 ऑप्शन तो है ना, ए एंड सी, तो आपको रखना ही पड़ेगा। गैस यहाँ पे मैं थोड़ा स्लोली पढ़ाता हूँ, बिकॉज यहाँ मुझे समझाना है, तो मैं एग्जाम भी दे दूँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में वहाँ हो नहीं सकता, नो डाउट लेंदी है, बट आ जाएगा आंसर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो आपको पक्का बताएं कि आप कर लोगे, वो क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग मैंने काफी कुछ चीजें समझाई, इतना कुछ समझाना थोड़ी वहां पे आपको बैठ के, आपको सीधे फैक्टर निकाल के रखनी है वैल्यू, बस सॉल्व करते चले जाओगे आंसर आ जाएगा, इवन 1 मिनट के अंदर आंसर आ सकता है। तो आंसर क्या आ गया, -4 एंड -16। वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है ना गाइस, आपको समझ में आए, जल्दीबाजी में करके चले जाएंगे फायदा नहीं उसका, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी गाइस एक वो एक बता रहा हूँ चीज आपको, कि खाली अर्थमेटिक में डिपेंड मत रहो, सारी वैरायटी करके जाओ, ठीक है। काफी लोग के मॉक के स्कोर्स भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, कि 250 नंबर आ रहे हैं, किसी के 242 नंबर आ रहे हैं, गाइस ऐसा होगा अगर आपने वैरायटी नहीं पढ़ी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए रेलिवेंट एंड क्लोजेस्ट मॉक एज वेल एज क्रैश कोर्स फॉर SRCC, आप देख सकते हो काफी प्रॉमिसिंग क्रैश कोर्स है गाइस, इससे आपको 6 फुल लेंथ SRCC GPO के मॉक्स मिलते हैं रेलिवेंट टू एक्चुअल एग्जाम। हम लोग गाइस मॉक्स अपडेट करते हैं, हम लोग के मॉक्स लास्ट ईयर भी काफी अच्छे लेवल के थे और वैरायटी थी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, SRCC में 2-3 साल से वैरायटी बहुत आ रही है, खाली अर्थमेटिक भी डिपेंड नहीं हो सकते आप, लास्ट ईयर तो खाली 8 ही क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे, तो वो चीज है, तो आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, एनीथिंग कैन कम, हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी आ सकता है, तो 6 फुल लेंथ मॉक्स तो ही है। साथ में गाइस थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगे, क्वांट्स के, LRVA के, DIDS के, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे लास्ट 3 साल के, प्रैक्टिस सेशंस आपके होंगे व्हाट्सएप पे, ये 20 जनवरी से स्टार्ट होंगे, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। पास्ट 6 ईयर्स से आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, इवन 7 से ज्यादा ईयर्स की 50 एडिशनल वीडियोज मिलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी। तो गैस खाली मॉक्स लोगे अगर आप, तो आपको 450 के 6 मॉक पड़ेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, 799 में आपको ये सब मिल रहा है, ये हम लोग का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब जिसके पास टाइम नहीं है, जो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता या जिसने काफी कुछ पढ़ रखा है प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, टोटली रेलिवेंट कंटेंट है एज पर द प्राइसिंग, ठीक है। बट अगेन अगर आपने वैरायटी नहीं पढ़ी है, आपको आता भी कम है, तो आपको मैं बोलूंगा आप SRCC का डेडिकेटेड कोर्स देखो, उससे पूरा एक ही चीज जूम पे पढ़ाई गई, लाइव जूम पे हम लोगों ने सारी वैरायटी कवर करी गई, ठीक है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, GDB है, सब कुछ है, उसकी कॉस्ट 2999 है। बट अच्छी बात क्या है कि अगर आप CMAT भी दे रहे हो, आपको सिर्फ CMAT कोर्स लेने की जरूरत है, आप CMAT कोर्स ले लोगे, आपका SRCC पूरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि क्वांट्स, LRDI, BRC एग्जैक्टली सेम, तो CMAT प्लस SRCC का प्राइस 4000 हो जाएगा, CMAT अलग से 3500 का है और SRCC के मॉक्स, बस ये चीज है। तो काफी लोग जो सोच रहे हैं कि 3000 में SRCC का कोर्स कैसे लें, काफी कम दिन बचे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप CMAT और TIS में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसका कोर्स ले लो, आपका SRCC हो जाएगा पूरा, क्योंकि हम लोग कॉम्बो पैक्स ऐसे ही होते हैं। बाकी का जैसे रिजल्ट देख सकते हो लास्ट ईयर के सब अपने बैच के रिजल्ट हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट्स जो लोग बोलते हैं सीटें कम है, ऐसा कुछ भी नहीं गए, 31 जनरल सीट में से 9 फाइनल कन्वर्ट्स अपने यहाँ से आप देख सकते हो, तो अगर आप वैरायटी करके जा रहे हो जाएंगी चीजें, ठीक है, बिकॉज रियलिटी यही बता रहा हूँ मैं आपको, आप 5000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, अगर उसमें से 600 से 700 स्टूडेंट्स हैं जो वाकई ढंग से पढ़ते हैं, बाकी लोग उतनी वैरायटी नहीं करते हैं, मॉक्स में नंबर नहीं आते उनके, मैक्सिमम लोग का नंबर वही आएगा 240 250 के अराउंड मॉक्स में, उससे कुछ होना नहीं ज्यादा, क्योंकि वैरायटी का इशू है काफी बड़ा, और जब तक आप सब चैप्टर्स को ढंग से नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी, ठीक है, तो वैरायटी भी ध्यान दो।
तो ये कोर्स जो है वो तो डिटेल्ड ठीक है, ये प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, बट वाकई एक गारंटीड कोर्स अगर है तो वो वाला कोर्स है जो मैंने बताया आपको, डिटेल्ड कोर्स, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट टेस्ट का कोर्स 3500 का, कंप्लीट सीमैट 35, एसआरसीसी 3000। अलग से एसआरसीसी लेने का मन नहीं है तो आप कॉम्बो में ले सकते हो, सीमैट प्लस एसआरसीसी 4000, सब मिला के गैस आपको पूरा मिलेगा, जीडीपीआई वगैरह सब 5500 का कंप्लीट पैकेज, जीडीपीआई मॉक्स एवरीथिंग, सारे एग्जाम्स में आराम से चांस है, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स हम लोग, ठीक है, और रिव्यूज दे सकते हो क्लासेस के, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप, ठीक है। काफी अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं, स्नैप का रिजल्ट आया कम से कम 120 प्लस का, 97% प्लस है, ठीक है, रिजल्ट अभी कोलेट हो जाएंगे। सो गाइस ये रिव्यूज देख सकते हो। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, एंड एसआरसीसी के मॉक्स एंड क्रैश कोर्स के लिए यू कैन विजिट mockzone.in/SRCC। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।